आ जाऊंगी दोस्तों, और आज मैं जा रहा हूँ बेस्ट बाय, मुझे कुछ काम है, और वो क्या काम है वो आगे आपको पता लगेगा वीडियो में कि मैं किस काम से वहाँ पर आया था। लेकिन जिस काम से गया था मैं, वो काम तो मेरा बना नहीं वहाँ पर, दूसरा काम बन गया। दूसरा काम ये बन गया कि मैं अप्लाइंस के जो सेक्शन होता है, जो किचन एड का सेक्शन होता है, उसमें गया मैं ऐसी घूमते घूमते विंडो शॉपिंग करने के लिए। तो मैंने कुछ चीज़ें देखी वहाँ पर, मैंने सोचा चलो यार इसका एक वीडियो बनाते हैं और आप लोग को दिखाया जाए। चलो आ जाओ फिर। तुम्हें पता क्या हुआ? बड़ी करी चल गई यार। तो ये हुआ कि जो मेरा गिम्बल है ना, उसमें जो फ़ोन को जिसमें क्लिप करते हैं वो खो गया। सफाई हो रही थी तो पता है, जब औरतें सफाई करती हैं घर में तो फिर कितनी भयंकर सफाई होती है, वो हो गया गायब। तो मैंने कहा यार आता हूँ, अब बेस्ट बाय ने खरीदा था तो यहीं से फिर मैं उसको कोशिश करता हूँ मिल जाए अगर मेरे को। तो मैंने कहा इसी बहाने एक वीडियो बन जाएगा, चलो आओ बेस्ट बाय घुमाते और गिम्बल का पार्ट खरीदते हैं। और आप जब बेस्ट बाय में आते हो तो यहाँ पर हर एक जो एम्प्लॉई होता है, जिसको पता होता है, कुछ जानकारी रखता है, जो उस पर कोई ना कोई कस्टमर चिपका होता है। तो फिर मैं जब तक ऐसे घूमता रहा कि कोई मिल जाए मेरे को खाली बंदा। काफ़ी देर के बाद फिर आखिरकार एक बंदा मुझे मिल गया खाली। तो मैंने उससे कहा यार मेरा ऐसा है, जो गिम्बल का जो एडेप्टर है जिसमें आप फ़ोन लगाते हो अपना, वो कहीं लॉस हो गया, मिल नहीं रहा है। तो उसने कहा कि भाई हम तो पूरे असेंबल्ड बेचते हैं गिम्बल जो है, और पार्ट हमारे पास नहीं मिलते हैं। अरे मर गए मैंने कहा। तो फिर मैंने कहा क्या करूँ फिर? तो उसने कहा फिर ऐसा है कि तुम्हारे को वेबसाइट पर जाना पड़ेगा, DJI का गिम्बल है मेरे पास। तो उसने मुझे वेबसाइट खोल के दिखा दी कि यह है वेबसाइट, यहाँ जाओ और यहाँ जाकर आप ऑर्डर कर दो। तो मैंने कहा चल गया ठीक है। फिर मैंने वहीं पर ही खड़े खड़े उसके सामने अपना ऑर्डर कर दिया पार्ट का। और उसके बाद मैंने कहा चलो चलते हैं यार घूमते थोड़ा, ऐसी सब लोग घूम रहे हैं, देखो एंड्रू घूम रहा है, ऐसी सब अपना काम कर रहे हैं। और वो लोग आए थे iPad लेने के लिए इनफैक्ट। तो मैंने कहा यार मैं क्या करूँ, मेरा तो काम हो गया, ऑर्डर हो गया। तो मैंने कहा चलो चलते हैं, आप भी चलाओ मेरे साथ में, चलते हैं देखते हैं जो अप्लाइंस का सेक्शन है वहाँ पर क्या क्या चीज़ें हैं, वॉशिंग मशीन, कुकिंग रेंज, रेफ्रिजरेटर्स या फ्रिज। और वहाँ पर देखो वो सच है जो मैं बता रहा हूँ आपको, कि जब मैं वहाँ पर गया तो मैंने मतलब ऐसे कोई 15-16-17-18 हज़ार से 1800 से लेकर देखे फ्रिज वगैरह। फिर डाइसन एक कंपनी है, वैक्यूम क्लीनर बनाती है, बहुत बड़ा नाम है अमेरिका में। तो वहाँ पर जो कुछ भी मैंने देखा वही आपको दिखा रहा हूँ। देखो विंडो शॉपिंग करते हैं या ब्राउज करते हैं और देखो 10 लाख का फ्रिज कैसा होता है। हो सकता है कि आप में से किसी लोग के पास हो या बहुत सारे देखा हो, लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे भी होते हैं ना जिन्होंने नहीं देखा है। तो यार वीडियो उनके लिए जो इस बात को इमेजिन भी नहीं कर सकते, इवन मैं खुद, मैंने भी कभी इमेजिन नहीं किया था कि 12,000 का भी फ्रिज होता होगा। चलो घूमते हैं देखते हैं विंडो शॉपिंग करते हैं। और जब मैं पहले सेक्शन में आया तो मैंने देखा यहाँ पर वॉशर ड्रायर रखे हैं। यहाँ पर वॉशर अलग होता है और ड्रायर अलग होता है। एक तो फ्लैट मशीन्स होती हैं जो आप सीधे ज़मीन पर रख दो दोनों को, एक होती है वर्टिकल जो खड़ी होती हैं मशीनें, जो अभी आगे आपको देखने को मिलेंगी वॉशिंग मशीन्स। उसमें यह है कि ऊपर आप कपड़े धोते हो और नीचे उसके ड्रायर लगा होता है, ये वाली फ्लैट वाली मशीन्स हैं। तो ये दो का सेट होता है आप देखो। और जो 10 लाख वाला फ्रिज है वो वीडियो के आखिर में देखने को मिलेगा। चलो आओ, कमेंट्री का हो गया टाइम ख़त्म, देखते हैं वीडियो, विंडो शॉपिंग करते हैं या ब्राउज करते हैं क्या क्या सामान कितने कितने का मिलता है यहाँ पर। I don't gotta try, I'm a natural stunner, hitting home runs like a baseball runner.
How much it cost? 5,000. What is the difference? And the bottom shelf? Close it. I'm feeling good now. I'm feeling good now. देखो चीज दिखाता हूँ, बड़ा मजेदार। 3,699 तो 3,700 का फ्रिज है। एक बड़ी मजेदार चीज है देखो, यहाँ ये सारा एरिया है सारा पूरा, इसके अंदर जो भी सामान है आपको रखना रख दो, और ये ट्रे वगैरह जो यहाँ लगी हुई ठीक है ना, यहाँ पर एक लगा हुआ है बटन, ये वाला, जब इसको बटन को आप दबाओगे तो ट्रे जो है यहाँ पर रख जाएंगे, बाकी सामान आपका उधर पीछे रखा हुआ है। तो दो तरीके हैं, जब आप ऐसे खोलोगे इसको डोर को तो ये ट्रे जो है सारी बाहर आ जाएंगी, यहाँ पर लग जाएंगी, पूरा वो पूरा सेक्शन खाली है, और जब आपको इसको दबाना है आपको तो ट्रे वहीं आ गई। $3,700। मैंने तो कभी देखी नहीं थी यार, आज फर्स्ट टाइम देख रहा हूँ। यहाँ पर $11,600 का फ्रिज, अब क्या है देख लो, ये लिखे हुए दाम देखो। Hold on. I mean, that's your Sunday.